मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। एक मुनाफा बक्स आईडिया की जरूरत है। इन्वेस्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। दिमाग आपका और पैसा हमारा। काम कीजिए और खुद मुख्तार बन जाइए। वाह भाई वाह। क्या कर रही हैं बैठे हुए? अखबार पढ़ रहा था। सुने वो, मैं ना इस्लामाबाद जा रही हूँ, ऑफिस का कुछ काम भी है और अम्मी से मुलाकात नहीं होगी। वैसे बेगम, आजकल आपके ऑफिस का काम कुछ ज्यादा नहीं होता जा रहा? मतलब क्या इस सवाल का? मतलब क्या, मैंने तो एक सादा सा सवाल किया है बस। नहीं, बात ये है कि अपने साथ साथ मुझे आप तीनों को भी पालना पड़ रहा है, ऑफिस का काम भी अकेले देखती। आप तो खैर इस काबिल है नहीं कि किसी काम ही आ सके। ऐसी बात नहीं है बेगम, मैं अगर चाहूँ ना तो सालों में नहीं, महीनों में, बल्कि दिनों में आपसे ज्यादा तरक्की कर सकता हूँ। अरे अभी भी ऐसे लोग हैं जो घूम रहे हैं पैसा हाथ में लेके, जिन्हें मेरे आइडियाज की जरूरत है। उन्हें आपके आइडियाज की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको माहिर नफ्सियात की जरूरत है। अच्छा, मेरे जाने के बाद ना हड हरामी ना दिखाइएगा, सारे घर का काम वक्त पर कर लीजिएगा। परसों आ जाऊंगी मैं। दो टके की इज्जत नहीं है यार। अबे यार, ठीक है, देख लेना, मैं भी सबको पैरों पे खड़ा होके दिखाऊंगा। 10 मिनट तो खड़े नहीं हो सकते, अपने पैरों पे क्या खाक खड़े होगे? देखे सुसर जी, ये घर के मरकज में बैठ के ये तंजबाजी करना बड़ा आसान। जिस जंजाल में आपने मुझे फंसाया है ना यहाँ, अल्लाह पूछेगा आपसे, अल्लाह पूछेगा अल्लाह। ये देखे, देख लेना, सब खुश होंगे, ये देखेंगे और सब खुश होंगे। आप भी देखेंगे मुझे, मैं कैसे तरक्की करता हूँ, कैसे इज्जत पाता हूँ, ये देखिएगा आप, देखेंगे आप, नहीं तो। आइए आइए मम्मी हुजूर। मम्मी जी क्या है? आप मेरे लिए इस्लामाबाद से क्या लाएंगी? अहकामात हैं ये बेटे। तुम्हारी मम्मी जी जो है ना, अपनी मम्मी के पास इस्लामाबाद जा रही है, वहां से सिर्फ अहकामात ही आते हैं। मामा छोड़े आप ये सब, मैं आपको बहुत मिस करूंगी, मुझे भी जाना था नानों के घर पे। अरे मेरी जान, फिर इन दोनों की सुपरविजन कौन करता? फिर ऐसा करेंगे कि मैं आऊंगी, तुम चली जाना, और फिर वैसे भी परसों तो मैंने आई जाना है। अब जा भी चुके बेगम। गुलाम, आप जाएंगी तो आएंगी, मेरी हनी का ख्याल रखना, टाइम पर खाना देना इसको। फिक्र ही ना करें मम्मी जी, सब कर दूंगा टाइम पे। चलो लड्डू, आ जाए मम्मी जी, आ जाए। हनी का ख्याल रखना, टाइम पर खाना देना। फिक्र ही ना करें मम्मी जी। लड्डू, मैं बहुत उदास हूँ, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से चाय बनाओ और मेरे कमरे में लेकर आओ जल्दी। जी 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 जी, बनाता हूँ जल्दी, बनाता हूँ। सर जी, आखिर हम कब तक इस तरह जलील होते रहेंगे? तुम्हारा तो पता नहीं मुझे। हाँ, मैं करीब अपने पैरों पे खड़ा होने वाला। अभी के उधार के पैरों पे खड़े? अबे जाहिल इंसान यार, मैं बहुत जल्द बिजनेसमैन बनने वाला हूँ। मम्मी जी चली गई, अभी आप जाके आराम से सो जाएंगे और काम में बिजनेस खेलेंगे। बिजनेस खेलेंगे। एक बात बता दे मुझे, तू मेरा बिजनेस पार्टनर बनेगा कि नहीं? हैं? हाँ। एक बात समझ में नहीं आ रही सर जी, आप किसी को खाना पकाने के अलावा क्या आइडिया दे सकते हैं भाई? बोले बोले भाई, ओ बे। अच्छा, समझ गया। धोबी का काम है। धोबी का काम नहीं, अब तक क्या हो गया, क्या हाल फाल बके चले जा रहे हैं?
तुझे पता नहीं है बाबू कैसे कैसे आइडियाज हैं मेरे पास। कैसे कैसे आइडियाज हैं मेरे पास? सारा कोई एक आइडिया तो बताए यहाँ पे। हाँ तुझे काय के लिए पार्टनर बना रहा हूँ अपना है। तू आइडियाज निकालेगा, मैं मीटिंग करूंगा और सरमायाकारों को घेर के लाऊंगा। मीटिंग करूंगा, सरमायाकारों को घेर के लाऊंगा, इसलिए मैं। अबे क्या मीटिंग के लिए क्या नए कपड़े इजाद होंगे या कोई कानून नाफिज होगा कि भाई कपड़े ये होने चाहिए मीटिंग के लिए? सो सर जी, इन कपड़ों में कोई मीटिंग के लिए क्या, आपके करीब वो मीटिंग के लिए भी नहीं आएगा। होलिया बदलना पड़ेगा, ये सब चेंज करना पड़ेगा। ये ठीक है, बदल के आता हूँ। लेकिन यार एक मसला है, जो मेरे कपड़े हैं ना वो अलमारी में रखे हैं। अलमारी की चाबी है बेगम के पास। अब बेगम गई हुई है इस्लामाबाद यार। अब क्या करें? बक्कड़ बम्बे वो मेरी तरफ से पूरे 100 आ गया समझ में। हमें करना क्या है? लड्डू सर जी। अबे यार भयंकर डकैती पड़ गई यार, एकदम आ गया। ऐसे थोड़ी डराते थोड़ी है यार। बात सुन लड्डू, मैंने ये 200 रुपए जमा कर लिए, इसमें कोर्ट आ जाएगा ना? हाँ 200 रुपए में अगर आप रक्षा पकड़ेंगे तो सिटी कोर्ट आ जाएगा, पहनने वाला कोर्ट नहीं आएगा। कोर्ट नहीं आएगा? बात सुन लड्डू, तू भी तो मेरा बिजनेस पार्टनर है यार, तो तू भी तो कुछ इन्वेस्ट करना। हाँ एक मिनट, कहाँ गई? अरे कहाँ गई मेरे नोटों की गड्डी? नोटों की गड्डी? अरे ये तो रखी थी। हाँ ये रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ले मेरे नोटों की गड्डी। नोटों की गड्डी? ये नोटों की गड्डी है? अबे इससे ज्यादा तो लोग मस्जिद को चंदा दे देते हैं यार। तो सर जी आपके हालात देखकर मैं भी आपको एक मशवरा दूंगा, किराए पे ले ले कोर्ट। कराए चलो, 10 की तो पैदा हुई। कराए पे कोर्ट। सलीन भाई, भाई यार कब चाहिए यार, दे दो यार। यार गुलाम भाई, तुम्हें धुले हुए कपड़ों का क्या करना है, तुम तो खुद कपड़े धोते हो। यार कैसी यार अंदर की बातें यार। यार गुलाम भाई, हम किसी के धुले हुए कपड़े किराए पे नहीं दे सकते, ये बुरी बात होती है। अच्छा बुरी बात है, किस किताब में लिखा है कि धोबी धुले हुए कपड़े किराए पे नहीं दे सकता? तो भाई अखलाकन तो गलत है। ओहो मेरे अखलाकुद्दीन। अच्छा वो बराबर मोहल्ले में जो वो धोबन है उसके चक्कर दे रहे हो, वहाँ अखलाक कहाँ गया भैया? नहीं नहीं गुलाम भाई, कुछ लेगा तो सुनाने के लिए तो कह रहा हूँ। अच्छा ना अब। अच्छा तुम चाहते हो कि वो ये बातें ना सुने? कोर्ट दे दो। किराया दूंगा यार। भाई चलो ये लो, चलो ये लो। क्या 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 घोड़ों की रेस में जा रहा हूँ क्या मैं यार, पहनूंगा तो। नहीं भाई वो कोट वो वाला बहुत अच्छी लगेगी, फिट आएगी बिल्कुल। कोई फिट वेट नहीं चाहिए मुझे, वो कोट चाहिए भाई। सलीम भाई यार भाई बिल्कुल पूरा आएगा, फिट आएगा तो। साइज क्या है तुम्हारे? और नहीं भाई ये लाइने वाइने नहीं चाहिए यार, वो वाला चाहिए यार, वो दे वो दो। ये वाला? इतने कोटों में यही कोट क्यों समझ में आ रहा है तुम्हारे? ये बहुत बड़ा रहेगा तुम। मेरे बड़ा रहेगा तो बड़ा आदमी बनना है तो उसके लिए बड़ा कोट जरूरी है भाई। मुरसलीन प्लीज, ये बहुत बड़े आदमी का है कोट, अगर इसको कुछ हो गया ना कोट को तो मेरी जिंदगी आसान। मैं कैसी बातें कर रहा हूँ यार, किराया दूंगा मैं भाई। किराया वराया नहीं चाहिए मुझे, बस ये कोट सही सलामत कल वापस ला देना दोपहर तक। यार मुरसलीन भाई ये मेरा वादा है, कल तक कोट वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। पक्का ना? पक्का भाई पक्का। मुरसलीन भाई जिंदाबाद। जी 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 मैं GM बोल रहा हूँ।
नहीं नहीं, आपकी कंपनी का जीएम नहीं बल्कि मेरा नाम है जीएम गुलाम मोहिउद्दीन जी। देखे वैसे तो मैं कल रात की फ्लाइट से जा रहा हूँ अमेरिका। आप कोशिश करें कि अपने बॉस से कहें कि मुझसे जल्दी आकर मीटिंग कर लें। यह है चाइना की नंबर वन एक्सपोर्टर का नंबर आपकी स्क्रीन पर, अब नोट करें 1 2 3 4। ओ भैया, ये किसी का फोन नंबर है या किसी गाड़ी का चेसिस नंबर? ये गाड़ी देखिए आपको किसी वजह से। हेलो, देखो भैया मैं भजन, बात ये है कि मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो आपसे बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करवानी है, तो क्या क्या चीज़ें भेज सकते हैं आप हमें? अब हाँ अरे यार, मेरा ख्याल है ये चाइना से जो हमारा ये जो आइडिया है ना, इसको कैंसिल करो यार। पता नहीं क्या क्या ये चीजी पापा पापा बाबू कहाँ, ये क्या है? ये अगर भेज देंगे तो भाइया कस्टम वाले पकड़ लेंगे, और वो पकड़ लेंगे तो फिर हम तो फंस जाएंगे ना यार। क्या करें? दुबई दुबई कितना मंगा रहे हैं तेल? मम्मी जी किचन में कम से कम तेल इस्तेमाल करने के लिए कहती हैं, आप तेल मंगवाएंगे? अरे मेरे जाहिल घर दामाद, अरे मेरे घर दामाद, मेरे सीनियर घर दामाद, कोई और आइडिया ढूंढ, इसमें तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं भाई। अच्छा आप चुप करें, बीच में ना बोले बस। किससे बात करें? छोड़े छोड़े छोड़ो ना यार, इस बात को रहना दो यार। तुम नंबर मिलाओ, सऊदीया नंबर मिलाओ। हाँ मैं देता हूँ। हेलो, अभी भी हैया हैया, अस्सलाम वालेकुम, अहलन वसहलन, मरहबा। छोड़ो यार छोड़ो, ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे, समझ में कुछ नहीं आ रहा यार। छोड़े सुसर जी, चले बैनुल अक्वामी ताजिर बनने, जबान आपको एक आती नहीं है। जबान आती है लेकिन दांतों के बीच में आती है। ला ये हेलो 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 क्या निकल गए? अच्छा पहुंचने वाले हैं। हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, ओके ओके ओके, आ रहे हैं, निकल चुके हैं। तुम भी तैयारी पकड़ो और मैं भी तैयार होके आता हूँ। आइडिया 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 आइडिया, यार कहाँ रह गया ये आइडिया? क्या ट्रैफिक में फंस गया है यार आइडिया? तो सर जी इतनी देर में मम्मी जी सांबा से यहाँ आ जाएंगी, लेकिन आपका आइडिया नहीं आएगा। बात सुनो, आज से तुम मेरे बिजनेस पार्टनर नहीं हो। अच्छा है, क्योंकि मुझे भी ऐसी पार्टनर ही नहीं चाहिए जिसका मालिक कराए का कोट पहनकर आइडिया आने का इंतजार कर रहा। यार लड्डू तुम तो जरा जरा सी बात का बुरा मान जाते हो यार। मैं मजाक कर रहा था यार, तुम मेरे मजाक को तो समझो यार। नहीं अच्छा तुम अपने मजलूम सुसर की मदद नहीं करोगे क्या? अब आए ना लाइन पर सुसर जी। समझे, मैंने आपका मसला हल कर दिया। हल कर दिया? हाँ। कैसे कैसे? इधर आए और आए। और हनी बेटे, ये असल में मैं थोड़ी देर के बाद एक बहुत बड़ा कारोबार शुरू करने वाला हूँ। कारोबार?
कौन सा कारोबार? अभी फैसला नहीं कर पाए हैं हम लोग। हम लोग? कौन लोग? लड्डू मेरा बिजनेस पार्टनर है। कर चुके आप लोग बिजनेस, अब ये सब छोड़िए, मुझे बताइए खाने में क्या बना, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है पापा। सॉरी हनी, आज खाना तो मनाओगी, बल्कि यू कहो कि आज से तुम और तुम्हारी अम्मी दोनों खाना पकाने की आदत डाल ले। मुझे लग रहा है ना आपको जरूर सर में कोई चोट लगी है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं लड्डू को बुलाती हूँ। लड्डू जल्दी आके देखो पापा को क्या हो गया। जी हनी। लड्डू तुम भी? हाँ ना, हमारे घर में कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, वो ना बहुत बड़े सरमायाकार हैं, तुम उनके लिए जल्दी से नाश्ते पानी खाने सब चीजों का बंदोबस्त कर डालो। जा। हाँ माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत कोट पहने हुए। हाँ भाई जाहिर है, जब ही तो लिया था हमने, हॉलैंड गया था बिजनेस टूर पे, तो वहाँ ये बड़ा महंगा खरीदा था मैंने, जाहिर है अच्छी चीज़ लगी तो खरीद लिया, कौन छोड़ता है। अब भाई इसमें खास चीज़ जो है ना वो देखें, ये खास चीज़ है, किसी और कोट में नजर नहीं आएगी आपके। इसका जो कलर है ना ये बहुत जेंटलमैन है, सेम एक ऐसा ही मेरे पास भी है। वो मेरा ख्याल मुद्दे पे बात कर ली जाए। जी जी बिल्कुल अच्छी बात है, मुझे बताएं आप लोगों के पास क्या बिजनेस प्रपोजल्स हैं जिन पे काम किया जा सकता है। मैं यही पूछने वाला था आपसे कि पापा 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 प्रपोजल्स। इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? हाँ वो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके दुनिया भर में कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं, कहाँ कहाँ आपके कारोबार हैं, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। अरे आप इनसे पूछ रहे हैं कि इनके क्या क्या कारोबार हैं? देखिए इस किस्म का कोई कारोबार नहीं पूछा हूँ। जी बताइए सर। भाई वैसे हमारी इन्वेस्टमेंट तो स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, रियल इस्टेट और डेयरी फार्म्स वगैरह में भी हैं, अब देखें आगे क्या होता है आप लोगों के साथ। सुसर जी हाँ? छोटा इन्वेस्टर लगता है मुझे। हाँ, बुरी बात, पेशा छोटा बड़ा नहीं होता। वैसे आप दोनों बताना पसंद करेंगे कि आपके इस वक्त मार्केट में कौन कौन से आइडियाज पे काम हो रहा है? मार्केट में? अरे दुनिया भर में कहिए जनाब, दुनिया भर में। अब ये बिल गेट्स को कॉलेज छोड़ के भागने का आइडिया किसने दिया था? किसने दिया था? तो सर जी ने। अब जरा सोचिए, अगर बिल गेट्स कॉलेज छोड़ के नहीं भागता तो किसी इंजीनियरिंग फर्म में नौकरी कर रहा होता, इंजीनियरिंग की, तो ये आइडिया किसने दिया था? सर जी ने। मुल्क में फरसुदा हालात के निजाम की तब्दीली के लिए आइडिया किसने दिया था? सर जी ने। एक बात तो आपको मालूम ही नहीं है, वो भी बता देता हूँ लगे हाथों। हाँ सदर बुश को अफगानिस्तान पे हमले का आइडिया किसने दिया था? वो भी सुसर जी ने दिया होगा। नहीं बिल्कुल नहीं, तभी तो ये कदम उसके लिए गलत साबित हुआ। देखिए भाई, भाई आपने ये बच्चों की जरा नवाजी है, मैं तो बड़ी ईमानदारी के साथ इनकी मदद करना चाहता हूँ और इसके बदले में वो मुझे अपने कारोबार में शराकत दार बना लेते। तो बस इसी खुशी में आप हमें कुछ पैसे, मेरा मतलब है टोकन मनी करवा दीजिए ताकि हमें लग सके आप सीरियस इन्वेस्टर। देखे देखे मैं असल में बता दूं, बच्चों के लिए काम करता हूँ, असल में बच्चों के लिए करता हूँ काम। वो नहीं है अपना वो अमेरिका वाला वो डोनाल्ड टक। डोनाल्ड डक, डोनाल्ड टक, डक 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 डक। हाँ डोनाल्ड डक भाई, अमेरिका का आप सोचे हैं, वो मुझे 3 महीने से कॉल्स कर रहा है, 3 महीने से रोजाना 1500 कॉल करता है मुझे, 1500। लेकिन साहब सफा मना कर दिया, मैंने कहा अरे काम आम, ये पार्टनरशिप आम झाम लोगों के साथ नहीं होती भाई, पार्टनरशिप वहाँ करे आदमी कारोबार जहाँ इज्जत मिले।
भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की आपने, आप लोगों के आइडियाज पे काम करने में मजा आएगा। यार कितने पैसे, इंसानियत का जमाना ही नहीं है यार। ओ भाई, हेलो भाई, कोट उतारो यार मेरा। अरे भाई, अरे उतारो, अरे 10 मिनट नहीं 15 मिनट नहीं, मैं अभी लेकर जाऊंगा। 10 मिनट बाद वो बंदा मेरा दिमाग खराब कर रहा है यार, फोन पे फोन कर रहा है यार। भाई आप लगता है आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अब कहाँ गया ये? ये तो कहीं पे भी गया हो जनाब, मगर अब आप लोग जेल जाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये जो कोट आपने पहना हुआ था ना, ये मेरा था और मैंने ही उस धोबी को दिया था धुलने के लिए। आप लोग फ्रॉड करते गुलाम जी। जी और लड्डू क्या हो रहा है ये मेरे पीठ पीछे तुम लोग ये हरकतें कर रहे हो? तुम ये फ्रॉडिया यहाँ क्या कर रहा है? फ्रॉडिया ये अखबार में इश्तहार देके पहले लोगों को बेवकूफ बनाता है, शुरू में कुछ पैसे देता है और फिर उनके घर तक बिकवा देता है ये। अच्छा तेरी तो मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद।